हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्द से जल्द जुड़ जाइए आप सभी लोग। शुरू करते हैं दोस्तों आज के क्लास को। मिस्टर संदीप हैं, पंकज हैं, सरवर अली खान हैं, अश्वनी यादव, हरिनाथ यादव, धर्मेंद्र कुमार हैं, विवेक यादव हैं, भरत बन राठौर, शिकार जी भी हैं, रितु कुशवाहा हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबका स्वागत है, बहुत 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 स्वागत है। चांदनी सिंह हैं, भारत बन्ना जी, आपका भी स्वागत है। जल्दी से जल्दी आ जाइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों हम लोग का जो मेन टारगेट है वो तो अभी तक एनटीपीसी ही चल रहा था, साथ ही साथ अभी जो हमारा टारगेट है ये भी है कि आगे जो आने वाले एग्जाम है, आगे जो आने वाला एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल आपका सीएचएसएल का एग्जाम है या सीजीएल का एग्जाम है या जो आपकी आने वाले समय में लिखपाल का एग्जाम आने वाला है, इन सभी एग्जाम्स में जो प्रश्न आने वाले हैं, एसएससी के जो प्रश्न आने वाले हैं या सीएचएसएल के आने वाले हैं, जो कि जीएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी प्रश्न का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और आपको ये ध्यान देना है कि प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एक बार देखने के बाद उसे दोबारा ना देखना पड़े, यानी आप उस चीज को भली भांति अच्छे तरीके से याद कर सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने सेशन को और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं, सो रहे हैं या खा रहे हैं या पी रहे हैं या कहीं पर गुनगुना रहे हैं, वो सब के सब जल्दी से यहाँ आ जाए और देखें कि आज जीएस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को और देखते हैं कि आप कितना जल्दी जवाब दे पाते हैं। दोस्तों आज का जो प्रश्न है उस प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न क्या है, इन सभी प्रश्न में शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न यह है कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। किसकी बात कर रहा है, बात कर रहा है कोशिका की। जब कोशिका की बात करेंगे दोस्तों तो हम जानते हैं कि कोशिका क्या है, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि इस कोशिका की खोज किसने किया था, इस कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था, इसकी खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने, इसका खोज किया था दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि यहां पर अगर पूछ रहा है कि किस कोशिकांग का कोशिका का मास्टर कहा जाता है, तो कोशिका का मास्टर क्या है, यानी मास्टर का मतलब क्या है, उस कोशिका को ऑपरेट करने वाला कौन है, उस कोशिका का मालिक कौन है। अब बात करते हैं कोशिका के मालिक की। कोशिका का मालिक का मतलब कोशिका के बीच में बैठा रहेगा और कोशिका से कहेगा, कोशिका के बीच में बैठकर बोलेगा ये काम करो ये काम करो, एक तरीके का मॉनिटर रहेगा वो। और वो मॉनिटर वो कौन होता है, वो न्यूक्लियस होता है। वो कौन होता है, न्यूक्लियस होता है या नाभिक इसका मॉनिटर होता है। बिल्कुल सही जवाब है, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब है। लक्ष्मण बिंद, स्वागत है आपका और फटाफट इसका जवाब भी देते चले जाइए लक्ष्मण बिंद जी, ठीक है। प्रद्युमन प्रजापति, शादाब खान, अर्चना कुमारी, शिनशान, रवि कुमार, वेरी गुड, दिनेश यादव, बहुत अच्छी बात है, फटाफट आते जाइए। देखते हैं दोस्तों क्या है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र क्या है, कौन सा है, ये प्रश्न भी आया हुआ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सीएचएसएल में भी आया हुआ है और ये प्रश्न और भी कई सारे एग्जाम में आया हुआ है। लेकिन याद रखना है, क्या याद रखना है, कि पहला समाचार पत्र आया हुआ है। दोस्तों जब पहले समाचार पत्र नहीं हुआ करता था, बस लोगों से ही हालचाल पता चल जाता था कि क्या हालचाल है देश का, क्या हालचाल है बगल वाले का, कोई न्यूज़पेपर हमारे यहाँ नहीं हुआ करता था। ये पहली बार जो न्यूज़पेपर आया है ना, ये आया कब है, ये आया है 1780 में दोस्तों। कब, 1779-80 के आसपास, यानी 1779 में पहली बार आया। और कौन लाए थे, ये लाए थे जेम्स हिक्की ने। कौन लाया था दोस्तों, ये लाए थे जेम्स हिक्की, जो कि पहले भारत के प्रकाशक हैं दोस्तों। इन्होंने एक पेपर लाया था और वह पेपर कहां पर लाया था, यह पेपर लाया था कोलकाता में। बोलो भैया कहां लाए थे, ये लाए थे कोलकाता में। और कोलकाता में जो पेपर लाए थे दोस्तों, वो पेपर कौन था, वो था बंगाल गजट। क्या नाम है, बंगाल गजट नाम का पेपर था जो ये लाए हुए थे। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चंद्रमा कुमार, विकास कुमार, सुनील सिंह जी, बहुत अच्छे, स्वागत है आप सभी लोगों का। फटाफट आपको क्वेश्चन को करते हैं याद करते चलिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, बंगाल गजट है। कहाँ पेश किया गया था, कोलकाता में। कौन प्रकाशक थे, जेम्स हिक्की थे। कब किया गया था, 1780 में किया गया था। अगर ये याद हो गया है तो अगला क्वेश्चन है और इतिहास का जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला पहला गुप्त शासक कौन सा है।
पहला गुप्त शासक कौन है? दोस्तों हम जानते हैं किसके बारे में, गुप्त वंश के बारे में। ये जो गुप्त वंश है, ये जो गुप्त वंश है, इसको हम स्वर्णिम काल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर्णिम काल भी कहते हैं भारत का। और इस गुप्त की स्थापना किसने किया था, यानी संस्थापक कौन थे? संस्थापक श्री गणेश करने वाले थे। कौन थे भैया? श्री गणेश करने वाले थे, और श्री गणेश करने वाले श्री गुप्त थे। समझ गए, श्री गुप्त इसके संस्थापक थे। लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे? इसके वास्तविक संस्थापक थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। कौन थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट इसके पहले संस्थापक, इसके वास्तविक संस्थापक थे। अब बात होता है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने लिया था? तो जो श्रीगुप्त होते थे, ये श्रीगुप्त जो है केवल अधिराज थे, लेकिन महाराजा धीराज नहीं थे। महाराजा धीराज की जो उपाधि ग्रहण करते हैं वो चंद्रगुप्त ग्रहण करते हैं। कौन करते हैं? चंद्रगुप्त फर्स्ट ग्रहण करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर पूछ दे आपसे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आप किसे बोलेंगे? आप समुद्रगुप्त को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? समुद्रगुप्त को बोलेंगे, जिसे क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन बोलते हैं। और दोस्तों आपको याद होगा ना, ये जो आपके गाजीपुर का भितरी है, वो जो भितरी है जिसे भीमोत्री के नाम से जाना जाता था, ये सैदपुर भितरी जो है किसकी राजधानी थी? ये राजधानी थी स्कंद गुप्त की। तो भितरी किसकी राजधानी थी? स्कंद गुप्त की राजधानी थी, जहां पर आज भी स्कंद गुप्त के शिलालेख मौजूद हैं। और यही नहीं, इसके साथ ये भी याद रखना कि ये जो गुप्त वंश है दोस्तों, गुप्त वंश में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय एक चीज चला था, एक संवत चला था, जिसे हम कहते हैं विक्रम संवत। ठीक है, चलिए आगे बताइए और फटाफट बताते चले जाइए दोस्तों क्या है, फटाफट जवाब दीजिए। ज्योतिष सहनी सर जी का लाडला चंद्रमा, लाल बहादुर, मोनू और विवेक यादव, पंचतंत्र को किसने लिखा था? क्या पूछ रहा है? पंचतंत्र को किसने लिखा था? ये लिखा था भैया किसने? विष्णु शर्मा ने लिखा था। और दोस्तों हम जानते हैं ये व्यास जी क्या लिखे थे? व्यास जी तो महाभारत लिख दिए थे। क्या लिखे थे? महाभारत लिखे थे। वाल्मीकि जी क्या लिखे थे? वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। और यहाँ पर याज्ञवल्क्य जो है, इन्होंने उपनिषद का निर्माण किया था। यहां तक अगर बिल्कुल सही है दोस्तों, तो आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा शासक था जो पोलो या चौगान खेलते समय उसकी मौत हो गई? है ना हंसने वाली बात? बात कर रहा है कि वो शासक था और वो पोलो या चौगान, पोलो खेलता था, घोड़े पर बैठा हुआ था और पोलो खेल रहा था, घोड़े से गिरा, उसकी मौत हो गई थी। और वो कौन शासक था दोस्तों? वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। हम जानते हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख बख्श भी कहा जाता है मुर्मुन्ना। लाख बख्श क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लाख बख्श है, ये लाखों रुपया उड़ा देता था। जब आता था लाखों रुपया उड़ा देता था, इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता है। इसने दोस्तों क्या बनाया था? कुतुब मीनार की स्थापना की थी। इसने कुतुब मीनार की स्थापना की थी। इसने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया था। क्या? अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था, ये याद रखिएगा। और दोस्तों हम जानते हैं कि जो इल्तुतमिश है, यह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है। और यही इल्तुतमिश है जिसने दल चालीसा की स्थापना की थी। यही इल्तुतमिश है जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और जिसने कुतुब मीनार के काम को पूरा करवाया था। यहां तक याद हो गया होगा तो तुरंत आ जाओ दोस्तों और आते हैं अगले क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन क्या जबरदस्त है, पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं? आपको तो तुरंत है, क्या आपने कभी राष्ट्रपति का वोट दिया है? कभी आपने क्या कोशिश किया कि रामनाथ कोविंद जी को हम वोट दे दें और रामनाथ कोविंद जी हमारे हिसाब से बन जाए? जी नहीं। आपने वोट किसको दिया? सांसद को दिया। आपने किसको दिया? विधायक को दिया। तो आखिर राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं? इनके ऑप्शन आ जाते हैं, संसद के द्वारा, निर्वाचक मंडल के द्वारा, राज्य के द्वारा या निर्वाचक गण के द्वारा। जरा इंग्लिश ध्यान दीजिए, पार्लियामेंट से, इलेक्टोरल कॉलेज से, स्टेट से या इलेक्टोरेट से, कहां से होगा? देखो भैया, जो राष्ट्रपति महोदय है ना, ये बहुत बड़ा पद है। हमारे देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं भैया राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आते हैं। और यह देश के प्रथम नागरिक भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रथम नागरिक भी कहलाते हैं। तो दोस्तों ये संसद के द्वारा नहीं होते हैं, ये राज्य के द्वारा नहीं होते हैं, ये निर्वाचक गण के द्वारा नहीं होते हैं, ये निर्वाचक मंडल के द्वारा होते हैं। क्या होते हैं? निर्वाचक मंडल के द्वारा होते हैं,
जो कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल हस्तांतरणीय प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। और इसी प्रक्रिया में एक प्रश्न आ जाता है, वो प्रश्न क्या है, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, फटाफट छाप लो, लिख लो, इससे बाहर नहीं आने वाला है। प्रश्न क्या है कि कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे। क्या बोल रहा है, निर्विरोध चुने गए थे। याद रखना, निर्विरोध का मतलब क्या है, सामने कोई था ही नहीं। अगर सामने कोई था ही नहीं तो निर्विरोध चुने जाने वाले। याद रखना, कैसे याद रखेंगे, याद रखेंगे भाई, नीलम संजीव रेड्डी इसका सही जवाब होगा। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। बिल्कुल सही है, यहां तक याद हो गया होगा। और एक और राष्ट्रपति का नाम लगे हाथ जरा बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब हमको तुरंत चाहिए। उसका नाम बताइए जिनकी गणना, जिनकी विजय की गणना दूसरे चक्र में सम्मिलित हुई, यानी दूसरी बार गणना करने पर पता चला कि अच्छा ये देश के राष्ट्रपति बनेंगे। कौन थे जिनमें दूसरे चक्र की गणना की गई, जल्दी जल्दी जवाब हमको मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। अमित है, शादाब है, चंद्रमा कुमार है, मोनू यादव है, क्या हमको जवाब मिलेगा, फटाफट जवाब मिल जाएगा। कौन है जिसको दूसरी चक्र में मतगणना पर हमको पता चला कि ये राष्ट्रपति बनेंगे, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अमरेश, नहीं जवाब मिल रहा है हमको, अभी जवाब नहीं मिल रहा, फटाफट जोड़ना चाहिए आपको, जवाब फटाफट हमको चाहिए। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या जबरदस्त है, जी नहीं, यानी जैल सिंह नहीं है, जवाहरलाल नेहरू। यार अरे यार, कहाँ चले गए जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे यार। एक आदमी तो गलती करता है, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की राजधानी कहाँ है, आप बता दिए कि गाजीपुर भारत की राजधानी है, तो आप दो गलती कर रहे हैं। एक तो आपको नई दिल्ली भी नहीं पता, साथ ही साथ आपको गाजीपुर भी नहीं पता, यानी दो गलतियां कर रहे हैं। यहाँ पर आप डबल मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा भैया, वो हैं वीवी गिरी। कौन है, वीवी गिरी हैं। अब बताइए, नरेंद्र मोदी भारत के चौथे प्रधानमंत्री। अब भैया आपको दूसरे बार बने हैं, जब ये पहले बार बने थे तब 14वें थे, क्या 14वें थे ये, लेकिन अभी कौन, अभी फिलहाल में ये देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। कौन से भैया, देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। जी हाँ, बहुत सही है, 15वें प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण किए हैं। अब बताइए, भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम सीटें कितनी निर्धारित होती हैं। क्या बात कर रहा है, बात कर रहा है राज्यसभा की। और हम जानते हैं कि राज्यसभा के लिए आपको सरला मैडम याद होना चाहिए, और सरला मैडम का मोबाइल नंबर 79 80 81 भी याद होना चाहिए। यानी 100 से संसद और संसद 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में होता है। तो जो राज्यसभा है, जो कि अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है, इसमें अधिकतम सीटें कितनी होती हैं, अधिकतम सीटें होती हैं 250, जिसमें वर्तमान में कितनी है 245 सीटें हैं। यहां तक बिल्कुल सही हो गया होगा। तो आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, जरा इसका जवाब दे दीजिए हमें, तुरंत तुरंत जवाब मिल जाइए। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर। कौन थे, जीवी मावलंकर थे। जबकि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में है दोस्तों ओम बिड़ला। कौन है भैया, ओम बिड़ला वर्तमान में है। और हम जानते हैं कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये देश के पहले उपराष्ट्रपति, साथ ही साथ इनके जन्मदिन पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे दोस्तों हम लोग चलते हैं, और ये बताइए कि उस महिला का नाम, क्या उस पहली महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में बनी थी। क्या भाई, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में बनी थी। चार ऑप्शन दिख रहा है, तुरंत जवाब बताइए कौन होगा भाई, मीरा कुमारी, लीला सेठ, अंजू जॉर्ज या पूर्वी जोशी। इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा लीला सेठ। कौन भैया, याद रखना लीला सेठ है। और हाँ ये भी बता दीजिए कि पूरे भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, पूरे भारत में कितने हाई कोर्ट हैं। तो हाई कोर्ट है भैया टोटल 25, कितने हैं टोटल 25 हाई कोर्ट है दोस्तों। और उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में आता है, 214 के अंतर्गत आता है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, आप बताइए जीने के लिए क्या जरूरी है। अश्वनी, चंद्र कुमार, श्रीशान, वेरी गुड, फटाफट फटाफट जवाब दीजिए।
जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है, अंग है, ऊतक है या नाभिक है? हम जानते हैं कि जिंदगी जीने के लिए यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका होती है। और कोशिका की खोज, फिर मैं बता दे रहा हूं कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। और कोशिका का जो मास्टर होता है वो कौन होता है? नाभिक होता है। अब बताइए, जो भारतीय संघ लोक सेवा आयोग है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? क्या होगा इसका जवाब? अगर हमें इसका जवाब दे दिए तो सतसत नमन है आपको। क्या सवाल है? सवाल है कि यूपीएससी किसके अंतर्गत आता है? दोस्तों ये अनुच्छेद 315 में आता है, याद रखना 315 में आता है। और इस 315 का मतलब है कि अगर आप 3-5 नहीं करेंगे तो एक दिन आप जो क्या बन जाएंगे? प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे। अगर 3-5 नहीं करेंगे तो एक दिन बन जाएंगे। 315 को याद रखना। और अगर याद रख लिए हैं तो एक सवाल आ जाता है, बड़ा छोटा सा सवाल है। क्या सवाल दिख रहा है? सवाल दिख रहा है तो जवाब भी दिखना चाहिए कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। क्या बात कर रहा है? अनुसूची कितनी होती है? अनुसूची बताओ भैया, टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और इस 12 अनुसूची में 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अरे यार, ये 7वीं अनुसूची तो शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है, जिसमें केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची आती है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये 22 भाषाओं वाली है। कितनी भाषा है भैया? 22 भाषाओं वाली अनुसूची है। और वहीं पर दोस्तों 9वीं अनुसूची किससे है? भूमि सुधार से। 10वीं अनुसूची किससे है? दल बदल कानून से है। और ये तो आप याद कर लेंगे, लेकिन इसका जवाब दे दिए तो हम मानेंगे कि हमारे देश में शूरवीरों की कमी नहीं है, हमारे देश में इन सारे महावीरों की कमी नहीं है। बोलिए महावीर, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय स्मारक। यानी वह स्मारक जो है छोटी मोरी याद करने की चीज नहीं है, बहुत बड़ी घटना से संबंधित है। और वो कौन है? इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, राजघाट या लाल किला, चारों जबरदस्त जगह का नाम दिया हुआ है। कंफ्यूज मत होना, वो जगह कौन सा है? वो जगह होगा इंडिया गेट। क्या भैया? इंडिया गेट। क्यों इसको राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? क्योंकि भैया ये जो इंडिया गेट है ना, इसमें 90,000, याद रखना कितना है, 90,000 सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। और वही सैनिक 90,000 कौन से हैं? ये वही 90,000 सैनिक हैं जो कि दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में और अफगान युद्ध में शहीद हुए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार में और अफगान युद्ध में जो शहीद हुए थे उनके नाम है, उनकी स्मारक के रूप में ये बनाया गया है, इसलिए ऐसा किया गया है। और अगर ऐसा किया गया है तो ये सवाल आ जाता है। सवाल क्या है? सवाल है कि समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण से आता है? यानी ये जो टाइड उठते हैं, ये जो ज्वार भाटा उठते हैं, ये ज्वार भाटा उठने का कारण क्या होता है? बोलो मेरे भैया शक्ति शर्मा जी, सिद्धांत जी, क्या होगा इसका जवाब? देखो ये होता क्या है कि जब पृथ्वी पर जो है चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, और पृथ्वी पर चंद्रमा के प्रभाव से जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसकी वजह से, यानी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की प्रभाव की वजह से ऐसा होता है कि पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। सवाल जबरदस्त है, सवाल जबरदस्त है कि नहरों का देश किसे कहा जाता है? क्या नहरों का देश किसे कहा जाता है? इसका जवाब दे दीजिए भैया। कॉल्ड द कैनाल कंट्री कौन सा होगा? इसका जवाब है ना पाकिस्तान, नापाक पाकिस्तान। हम इसको नापाक बोलते हैं क्योंकि इसका इरादा कभी ठीक नहीं रहता है, तो वो पाकिस्तान जो है वो नहरों का देश है। हमारा देश तो क्या है? हमारा देश त्योहारों का देश है, हमारा देश तो है संस्कृतियों का देश है दोस्तों, तो ये नहरों का देश है। और हम जानते हैं कि उगते सूरज का देश कौन सा है? उगते सूरज का देश कौन सा है? ये जापान है, जिसे हम क्या बोलते हैं? उगते सूर्य का देश कहते हैं। क्यों? बिल्कुल सही है। चलिए अगर बिल्कुल सही है तो ये बता दो, तुरंत बता दो, नॉर्वे की राजधानी कौन सी है? पता होगा ना, नॉर्वे। नॉर्वे का मतलब क्या है? नॉर्वे में हम जानते हैं कि जहां पर 5 सूर्य दिखाई देते हैं, जहां पर ज्यादा जो है हमेशा सुबह भी और शाम को भी ऐसा लगेगा कि सूर्य उग ही रहा है, ऐसा है नॉर्वे। और नॉर्वे की राजधानी कौन सी है? नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। कौन सी है? ओस्लो है नॉर्वे की राजधानी। तो ओटावा कहाँ की राजधानी है? ओटावा दोस्तों कनाडा की राजधानी है। कहाँ की है? कनाडा की राजधानी है। रोम कहाँ की राजधानी है? रोम दोस्तों इटली की राजधानी है। कहाँ की है? इटली की राजधानी है रोम। और अगर दोस्तों आपसे ये पूछ दे कि जल्दी से बता दीजिए कि आयरलैंड की राजधानी कहाँ है,
क्या बोल रहा है? आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? आयरलैंड वही देश जहां से हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं, उसकी राजधानी कहाँ पर है? उसकी राजधानी है दोस्तों डबलिन। क्या है भैया? डबलिन है उसकी राजधानी। और अगर उसकी राजधानी है तो फिर से हम जानते हैं कि बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है। क्या है? ब्रसेल्स है बेल्जियम की राजधानी। हेलसिंकी कहाँ की राजधानी है? ये राजधानी है फिनलैंड की। कहाँ की है? फिनलैंड की राजधानी है, जिसे हम झीलों का देश कहते हैं। और ओटावा किसकी है? ओटावा दोस्तों कनाडा की राजधानी है। किसकी राजधानी है? कनाडा की राजधानी है। यहां तक बिल्कुल तैयार हो गया होगा? अगर तैयार हो गया है तो अगले सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या है भैया अगला सवाल? जल्दी बताइए क्या है, जल्दी से सवाल का जवाब। सर आप भी एनाटॉमी, मतलब व्हाट एनाटॉमी? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोग का बहुत बहुत सहयोग बना है। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। भारत का सबसे बड़ा जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या बोल रहा है भैया? सबसे बड़ा जिला। अगर आपसे पूछता कि सबसे बड़ा गाँव कौन सा है, क्या बोलता कि सबसे बड़ा गाँव कौन सा है? तो हमारे एशिया का, विश्व का सबसे बड़ा जो गाँव है वो है गहमर, जो हमारे ही गाजीपुर जिले में है गहमर। लेकिन सबसे बड़ा जिला जो बोल रहा है दोस्तों वो कौन सा है? वो लेह लद्दाख का है। कौन सा है? लेह लद्दाख का है जो सबसे बड़ा जिला है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? तटीय रेखा मतलब जहां पर तट सबसे ज्यादा है। तो तट सबसे ज्यादा कहाँ का है भैया? ये है गुजरात का। कहाँ का है? गुजरात का है, जो लगभग 1200 किलोमीटर का तटीय रेखा बनाता है। क्या बनाता है? 1200 किलोमीटर का तटीय रेखा बनाता है। और इसी के साथ फिर आगे आ जाते हैं कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? क्या बोल रहा है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? कौन है भाई प्रायद्वीपीय नदी? अगर प्रायद्वीपीय नदी की बात करेंगे तो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। क्या बोलेंगे? गोदावरी। या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। अच्छा, किसे बूढ़ी गंगा कहा जाता है? तो बूढ़ी गंगा दोस्तों गोदावरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। वहीं पर अगर बोले कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों कावेरी को। किसे? कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटी सी क्यांग है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये गंगा है। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो अगला सवाल आ जाता है जो कि ब्लड से संबंधित है। अपना खून दे दो लेकिन इस ब्लड को जरा सा बता दो, जल्दी से बताओ कि ब्लड एक्चुअली में क्या है? ब्लड एक्चुअली में क्या है? एक टिश्यू है, एक ऊतक है। लेकिन कैसा ऊतक है? एक पेशी है, पैकिंग है, संयोजी है या सहायक है? देखो भाई, संयोजी मतलब कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू का मतलब क्या होगा? ये सबको पूरे शरीर के अंगों को जोड़े रहता है। और ये सच बात है क्योंकि ब्लड पूरे शरीर में चलता है, इसलिए ये क्या होता है? कनेक्टिंग टिश्यू होता है। यानी ये क्या होगा? एक संयोजी ऊतक होगा। और अगर संयोजी ऊतक होगा तो ये बता दीजिए कि रक्त का पीएच कितना होता है? ये रक्त का पीएच होता है 7.4। यानी ये कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। रक्त का पीएच होता है 7.4। बिल्कुल यहां तक सही है। अगर बिल्कुल सही है तो अगला क्वेश्चन बताइए कि रबी की फसल की अवधि क्या होती है? क्या बोल रहा है? रबी की फसल की अवधि क्या होती है? देखो दोस्तों, यहां पर सवाल का जवाब देना। रबी की फसल अगर जो होती है ना, ये फसल कब होती है बोलो हमारे किसान के नौजवानों? हमारे देश में जो रबी की फसल होती है ना, ये होती है हमेशा अक्टूबर से मार्च में, यानी जाड़े और बसंत के मौसम में। जाड़े से बसंत का जो मौसम होता है वो रबी की फसल का होता है। तो अब इस सवाल का जवाब देना है और जल्दी से वीडियो को शेयर कर देना है। क्या वीडियो को शेयर करेंगे? जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे और बताएंगे इस सवाल का जवाब। कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। भैया इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से अभी जाना जाता है वो है बंगलुरु। कौन है? बंगलुरु है। और दोस्तों पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। यानी ये गुलाबी नगरिया है। कौन सी नगरिया है? ये आपकी गुलाबी नगरिया है, जिसे हम कहते हैं पिंक सिटी। बिल्कुल सही है यहाँ पर। अच्छा, बिल्कुल सही है। तो ये बताइए कि भारत में जो ब्लैक रिवोल्यूशन आया है, यानी कृष्ण क्रांति है, ये कृष्ण क्रांति का विन किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? ये जो ब्लैक है,
देखो भैया पता होगा नीलक्की वाली क्रांति किससे थी, मछली पालन से थी। पियरकी वाली यानी पीली वाली क्रांति किससे थी, तिलहन और दलहन से थी। हरी क्रांति किससे थी, हरित क्रांति किससे थी, अनाज से संबंधित था। अब यहां पर सवाल पूछ रहा है कि रजत क्रांति किससे थी, अंडा से था। सारी क्रांतियां याद हैं तो ये बता दीजिए कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, ये संबंधित है क्रूड पेट्रोलियम यानी कि कच्चा पेट्रोलियम से संबंधित है। यहां तक बिल्कुल याद हो गया होगा, और याद हो गया है तो फटाफट वीडियो को शेयर करिए और जवाब देते जाइए। ये सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, ये कई बार एग्जाम में आ रहा है, डेफिनेटली याद आ रहा है। जब तक ये बदल ना जाए तब तक याद रखिए कौन कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। कौन सा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, क्या विजय एल केलकर है? नहीं भैया, ये 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। क्या इनके अरविंद पनगड़िया है? अरविंद पनगड़िया कौन है? ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। कौन थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। तो एनके सिंह हैं? जी हाँ। कौन है? एनके सिंह हैं, जो 15वें आयोग के अध्यक्ष के रूप में हैं। और इसको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये हमेशा के लिए, जब तक ये बदलेंगे नहीं तब तक याद रखना है। भारत की मुद्रा में दशमलव प्रणाली कब प्रारंभ हुई? दशमलव प्रणाली समझ रहे हैं? पहले हमारे यहाँ कौड़ी चलता था, टका चलता था, नया चलता था, है ना? ऐसे बहुत सारी पद्धति चेंज होते चली गई थी हमारे यहाँ। बोलते तीन कौड़ी का दिमाग है इसके पास, यानी कौड़ी चलती रही होगी, टका चलता रहा होगा। लेकिन हमारे यहाँ दशमलव, जैसे 100 रुपया 75 पैसे को लिखे हैं 100.75, तो ये 0.75 की प्रणाली कब शुरू हुई? ये शुरू हुई थी 1957 में। कब शुरू हुई थी? 1957 में शुरू हुई थी। तो तुरंत अगले सवाल का जवाब बता दीजिए कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जो 1 रुपया का नोट होता है दोस्तों, उस पे हमेशा हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्रालय का, वित्त सचिव का। किसका? वित्त सचिव का होता है, ठीक है? भारत के वित्त सचिव का होता है। और अगर ये याद हो गया है तो ये बता दीजिए, सॉरी यहां पर वित्त सचिव इसको हम नहीं लेंगे, यहां पर जो हम लेंगे वो लेंगे भारत सरकार का, ठीक है? किसको लेंगे? भारत सरकार को लेंगे, यानी वित्त मंत्री का रहेगा, ना कि वित्त सचिव का रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे बैंकर्स चेक कहा जाता है? क्या बोला है? किसे बैंकर्स चेक कहा जाता है? शादाब, मधुमौर्य, छोटे लाल, अनिशा, जितेंद्र, संगीता, भरत वन्ना। फटाफट जवाब दीजिए क्या होगा। देखिए बैंकर्स चेक होता है डीडी। डीडी को क्या बोलते हैं? डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं। डिमांड ड्राफ्ट का मतलब आप किसी कुछ ड्राफ्ट का डिमांड करते हैं, वही होता है डीडी। अगर ये याद हो गया, बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण की बात कर रहा है, इसका मतलब 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1969 में। याद रखना कब? 1969 में इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और भैया 1969 में किया गया था तो ये बताइए, अगर कोई घर का या परिवार द्वारा एक साइकिल की खरीदारी को किया जा गया, एक साइकिल की खरीदारी किया गया, तो ये असल में क्या किया गया? ये उपभोग हुआ, परिसंपत्ति का सर्जन हुआ, पूंजी का निर्माण हुआ, या बचत हुआ? पहली बात, साइकिल खरीदेंगे तो बचत तो होगा नहीं, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्या पूंजी है ये? क्या पूंजी कब होगा? जब कोई बिजनेस प्रारंभ करेंगे उसमें जो चीज लगाएंगे वो प्रारंभ में पूंजी होती है, ये नहीं होगा। क्या ये एसेट कुछ क्रिएट किया आपने? जी नहीं, क्रिएट नहीं किया आपने। यहां पर क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं, क्योंकि आप साइकिल खरीद के चलाएंगे, उसका उपभोग करेंगे, उसका कंजप्शन करेंगे। यानी आंसर कौन सा सही होगा? आंसर ए वाला सही होगा। और इसी से रिलेटेड सवाल आ जाता है इकोनॉमिक्स का दूसरा। दूसरा सवाल ये बोल रहा है कि केवल एक क्रेता है, यानी बेचने वाला केवल एक है, और केवल एक विक्रेता है, यानी खरीदने वाला एक है और बेचने वाला भी एक है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? पब्लिक मोनोपोली जनता का एकाधिकार है? जी नहीं। क्या वो विशेष विक्रेता अधिकार है, या क्रय का अधिकार है, या द्विपक्षीय अधिकार है? देखो भैया, ये विशेष विक्रेता अधिकार है, क्योंकि यहाँ पर एक ही खरीदने वाला है और एक ही बेचने वाला है। और अगर इतनी बतिया मोरे भैया याद हो गया तो बता दो, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये जबरदस्त सवाल है। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये नेतृत्व क्या महात्मा गांधी जी ने किया था? नहीं, इन्होंने तो चंपारण किया, खेड़ा किया, अहमदाबाद बिल किया, असहयोग आंदोलन किया, इसके
के बाद दोस्तों खिलाफत आंदोलन का भी सहयोग किया और भारत छोड़ो आंदोलन भी किया था। लेकिन क्या रविंद्रनाथ टैगोर किए थे? जी नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं किए थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे? जी हाँ, कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर किए थे तो अगला सवाल है कि भारत में राजकोषीय नीति कौन बनाती है? दो नीति होती है, एक नीति को हम बोलते हैं मौद्रिक नीति और दूसरी नीति को हम बोलते हैं राजकोषीय नीति। जो मुद्रा से संबंधित नीति होती है वो राजकोषीय नीति होती है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई जाती है। लेकिन जो राजकोषीय नीति होती है, मौद्रिक नीति किसके द्वारा होती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। लेकिन जो राजकोषीय नीति होती है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा मनाई जाती है। और हम जानते हैं कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीता रमन है। कौन है? निर्मला सीता रमन है। और अगर ये याद हो गया है तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि दोस्तों भारत में जो मिशन इंद्रधनुष है, क्या भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किसके लिए जुड़ा है? किस लिए जुड़ा है? तो ये जो बच्चों का टीकाकरण है, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किया गया था, यही मिशन इंद्रधनुष था। इसको याद रखना, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? क्या बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? देखो भैया, मानव विकास सूचकांक है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये तैयार करने का काम होता है UNDP का, यानी किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का इसका काम होता है, जिसमें भारत जो है वर्ष 2019 में 129वें स्थान पर है। कौन से? 129वें स्थान पर भारत है। और पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे पहले स्थान पर है दोस्तों, 129वें स्थान पर भारत है। और बताइए, अगला सवाल आता है, अगला सवाल है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान, क्या भैया शक्ति शर्मा भोजपुरी के माटी, अमर के राजभर, विवेक के यादव और शादाब खान? विवेक यादव, फटाफट जवाब दीजिए, क्या है? फटाफट वीडियो को शेयर करिए कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान है असम में। कहां पर है? असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान। साथ ही साथ काजीरंगा भी अगर पूछता है तो काजीरंगा कहाँ है? असम में ही है। ठीक है, आगे बताइए कि भारत के कक्ष का रण किस लिए प्रसिद्ध है? भारत के कक्ष का रण किस लिए प्रसिद्ध है? क्या यहाँ पर ज्वारी मिट्टी के मैदान है, उपजाऊ मृदा है, घनी वनस्पति है, या सब सही है? जी नहीं, यहाँ पर ज्वारीय मिट्टी का मैदान है। क्या है? ज्वारीय मिट्टी का मैदान है। और हम जानते हैं कक्ष के रथ में कौन सी मरुस्थलीय नदी कहलाती है? लूनी नदी होती है। कौन सी होती है? लूनी नदी होती है। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? अगर ओजोन परत, जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर जो कि अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाती है, ये दोस्तों अगर पृथ्वी पर आ जाती है तो कौन से कैंसर का कारण बनती है? जाहिर सी बात है, हमारे त्वचा पर पड़ेगा। और त्वचा पर पड़ने के कारण हमारा रंग, हमारे त्वचा पर क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है, यानी स्किन कैंसर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए जहां ओजोन परत है वहीं पर शरीर में मेलनिन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा हम ओजोन, उतना ही ज्यादा हम पराबैंगनी किरणों से बचेंगे। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? जरा इसका जवाब दे दीजिए, क्या बोल रहा है? मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो जाहिर सी बात है मृदा विज्ञान होता है। लेकिन अगर ये हिंदी नहीं दिया होता तो इसका सही जवाब क्या होता? पेडोलॉजी। क्या होगा? पेडोलॉजी होता है, पेडोगॉजी नहीं होता, क्योंकि पेडोगॉजी मतलब शिक्षा शास्त्र हो जाता है। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? फटाफट जवाब दीजिए, प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या होता है? प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को मापने की जो इकाई होती है वो होती है ओम। क्या होती है? ओम होती है इसको मापने की इकाई। अच्छा, फिर ये बताइए, एक तोप का गोला है, क्या बोल रहा है? एक तोप का गोला है और उसको दागा गया, इस गोले की गति का उदाहरण क्या है? मतलब ये जो तोप का गोला यहां से फेंका जाएगा तो ये ऐसे जाएगा यहां तक, है ना? अब ये जो गति किया, ये जो यहां से यहां तक गया है, ये कौन सी गति है? ये गति कौन सी है? ये प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति है। कौन सी गति है? प्रक्षेप गति है, जो इस तरीके से जाएगा, धनुष की तरह जाएगा। यहां तक बात सही है। चलिए आगे बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले सबसे पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन है?
क्या बोल रहा है, सबसे पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन है, सर सैयद अहमद खान, आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना या बदरुद्दीन तैयब जी। पर सही सैयद अहमद खान नहीं है, इन्होंने एंग्लो इंडियन मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की थी, या इन्होंने दोस्तों क्या बनाया था, इन्होंने बनाया था मुस्लिम कॉलेज, जिसको कहां पर है, अलीगढ़ में है, यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया था। आगा खान क्या किए थे, आगा खान तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे, और मोहम्मद अली जिन्ना तो पाकिस्तान की ही स्थापना कर डाले थे। तो इसका सही जवाब क्या है, बदरुद्दीन तैयब जी। क्या है, बदरुद्दीन तैयब जी इसका सही जवाब है। अगर पूछे कि पहला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है, तो ब्योमेश चंद्र बनर्जी है। दूसरा पूछे तो दादा भाई नौरोजी है। तीसरा पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। और चौथा पूछे तो जॉर्ज यूले हैं। इसको आप याद रखिएगा, अगर याद रखे हैं तो अगला सवाल बताइए, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाए, यानी पृथ्वी जो रोटेट कर रही है, घूर्णन कर रही है, इसकी गति बढ़ा दिया जाए, बहुत तेजी से ये चलने लगे, रोटेट करने लगे, तो बहुत तेजी से रोटेट करने पर शरीर के वजन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो हमारा वेट है वो क्या होगा। डेफिनेटली अगर कभी भी पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाएंगे तो उससे जी का मान बढ़ेगा, और अगर जी का मान बढ़ेगा इसका मतलब जाहिर सा है कि हमारा वजन क्या होगा, बढ़ेगा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो अगला सवाल आ जाता है, और अगला सवाल आ जाता है मुन्ना भैया, तो सवाल क्या है कि कौन विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। भाई विद्युत है, अगर विद्युत मोटर है तो जाहिर सी बात है कि विद्युत ऊर्जा को ही यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और अगर ये चीज पता हो गया है तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो परमाणु रिएक्टर है, जो परमाणु रिएक्टर है, इसका आविष्कार किसने किया था। ये जो सवाल है, ये सवाल ऐसा है कि मन करता है इसको जवाब देने वाले को एक एक किलो गुलाब जामुन और एक एक किलो जलेबी एकदम फ्री में करवा दे। जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्या होगा इसका जवाब, एनरिको फेमी, न्यूजेन फिक, स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग या बोनाजाइड फोनरन। इसका जवाब है एनरिको फेमी। कौन है, एनरिको फेमी है। एक एक किलो जलेबी मिलने वाली नहीं है आप लोग को, हमें पता है आप जवाब नहीं दिए हैं, लेकिन अगली बार इसका जवाब जरूर दे दीजिएगा। क्या सवाल है, जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण, अपचयन, उपचयन या संक्षारण और अपचयन, यानी रिडक्शन होता है कि ऑक्सीडेशन होता है, तो यह क्रिया ऑक्सीडेशन कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है। सवाल का जवाब आ गया, क्या बात है, कलावती खबर कला मुझे दी दीजिए सर जी, जलेबी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है, पानी आएगा, बात छोड़ दीजिए, हमारी राष्ट्रीय मिठाई है ये। अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है ये बताइए, एक एक कप चाय पिला के काम खत्म कर देते हैं आप लोग का। अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बताइए, इसका रासायनिक सूत्र है NH4Cl। क्या है, NH4Cl है। एक एक किलो चाय वाले भी गायब हो गए, चलो कोई बात नहीं है। अगला बताइए, चींटी के डंक को पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, यानी जो चींटी काटती है, कौन वाली, पाकिस्तानी वाली, लाल वाली जो चिटिया होती है, ललकी चिटिया जब काट लेती है ना तो भूल जाता है, यहाँ पर करिक्की वाली नहीं काटती है, ठीक ठाक रहता है। खैर, तो ये जो चींटी में जो डंक है ये क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फार्मिक एसिड या लैक्टिक एसिड, कौन सा होगा। लैक्टिक एसिड क्या पाया जाता है, नहीं तो दूध में पाया जाता है, बताइए। सिट्रिक एसिड पाया जाता है, नहीं तो आंवला में पाया जाता है। अब बताइए, एसिटिक एसिड पाया जाता है, नहीं ये तो सिरका में पाया जाता है, है क्या, फार्मिक एसिड। कौन सी है, फार्मिक एसिड है, इसको याद रखिएगा, कौन सा, फार्मिक एसिड है। आगे बताइए, लेड सल्फाइड का साधारण नाम क्या है, कई बार एग्जाम में आया है, लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड यानी क्या, PbS, लेड सल्फाइड यानी क्या, PbS का रासायनिक नाम क्या है, याद रखिएगा, इसका जो रासायनिक नाम है वो है गैलेना। क्या नाम है, गैलेना, इसका रासायनिक नाम है, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना एक बात को कि गोबर गैस का प्रमुख घटक कौन सा है, क्या बोल रहा है, गोबर गैस। कई बार एग्जाम में मेरे ख्याल से ये कक्षा 8 में ये सवाल पूछा हुआ था, और एक सरकारी किताब चलती थी, वो सरकारी किताब में ये पहला प्रश्न पूछा था कि गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है। तो हम जानते हैं कि जो मीथेन है, मीथेन को ही गोबर गैस कहा जाता है,
मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है, यानी इसका सही जवाब क्या होगा, मीथेन इसका सही जवाब होगा। तो एक सवाल यह है कि पैंथरा टाइग्रस किसका वैज्ञानिक नाम है, याद होगा आपका राष्ट्रीय पशु कौन सा है, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, क्या तेंदुआ है, नहीं क्या टाइगर है, जी हाँ शेर है, एकदम शेर है वो, बाघ है वो, और उसी का पैंथरा टाइग्रिस क्या होता है, वैज्ञानिक नाम होता है, बकरी का मत कर देना। अगला सवाल, गुर्दे की पथरी बनी होती है, क्या बोल रहा है, गुर्दे की पथरी बनी होती है, किसकी बनी होती है गुर्दे की पथरी, जाहिर सी बात है किडनी का जो स्टोन होता है वो बना होता है कैल्शियम ऑक्सलेट का, किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है दोस्तों, इसलिए किसी को पथरी हो जाए अच्छी बात नहीं है। ये सवाल है, सवाल का जवाब चाहिए हमको, क्या सवाल का जवाब है, सवाल का जवाब है कौन वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी, याद रखना दूसरी कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी, पहली कौन बनी थी, पहली बनी थी 1917 में, और वो कौन थी, एनी बेसेंट थी, तो दूसरी बनी थी लेकिन पहली भारतीय महिला थी वो, और पहली भारतीय कौन है, वो है सरोजनी नायडू, और हम जानते हैं सरोजनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है, भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, और हम ये भी जानते हैं कि सरोजनी नायडू हमारे देश की प्रथम राज्यपाल भी रह चुकी है, और वो कहां की, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मुन्ना भैया लोग, ठीक है। आगे बताइए, पीयूष ग्रंथि कहां स्थित होती है, क्या बोल रहा है, पीयूष ग्रंथि कहां स्थित होती है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहां पर स्थित होती है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है, और ये कहां पर होती है, मस्तिष्क के निकट होती है, कहां होती है, मस्तिष्क के निकट होती है। आगे बताइए, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, पहला तो सवाल यही आ जाता है कि पहली ग्रंथि कौन सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, कौन सी होती है, लीवर होती है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी कौन सी होती है, पैनक्रियाज होती है, यानी क्या होती है, अग्न्याशय होता है, पैनक्रियाज होता है, यहां तक बिल्कुल सही हो गया होगा। तो ये बताइए हेपेटाइटिस, क्या बोल रहा है, हेपेटाइटिस मानव शरीर की किस अंग को प्रभावित करता है, लीवर को यानी हमारे जिगर को, या पैनक्रियास को, या स्प्लीन को, या स्मॉल इंटेस्टाइन को, छोटी आंत को, ये जो हेपेटाइटिस है ये जो है ये हमारे लीवर को खराब कर देता है, क्या करता है, लीवर को संक्रमित कर देता है, यही इसका जवाब होगा। मैंगी फेरा इंडिका, नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है, और हम जानते हैं कि इसे फलों का राजा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फलों का राजा कहा जाता है, वो कौन है, मैंगी फेरा इंडिका है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, जो फलों का राजा है, और फलों का राजा कौन है, आदमी जाता है, यानी मैन गो है, मतलब आम है, कौन है, मैंगो है, यानी आम है फलों का राजा। लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी, क्या बोल रहा है, लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी, क्या रैबीज के टीका की, पेनिसिलिन की टीका की, पोलियो के टीका की, या इंसुलिन की थी। देखो भैया, पोलियो के टीका का तो जोनास साल्क ने किया था, किसने किया था, जोनास साल्क ने किया था, तो क्या पेनिसिलिन की किया था, जी नहीं, इसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, तो लुई पाश्चर का कौन किया था, रेबीज का टीका बनाया था, किसका, रेबीज का टीका बनाया था, इसलिए सवाल गलत नहीं होना चाहिए। जवाब दीजिए, मानव के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, और अगर उसकी कमी हो गई तो एक हिसाब से कहा जाए कि इंसान जो है वो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या, प्रोटीन है, जल है, वसा है, या प्लाज्मा है। तो भैया सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है हमारे शरीर में, जल होता है, ये बात तो हम बिल्कुल 100% जानते हैं, क्योंकि शरीर का ज्यादातर हिस्सा क्या है, पानी भरा होता है। पहला गणितीय कैलकुलेटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, जी हाँ, पहला कैलकुलेटर है, और यह पहला कैलकुलेटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, नेपियर, लाइबिंस, फिशर या पिंगल के द्वारा। तो इसे याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा, सही जवाब क्या होगा, नेपियर, कौन है, नेपियर है इसका सही जवाब। और अगर जवाब दे दिए हैं तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए किया जाता है। हम जानते हैं कि डाटा का संक्रमण करने के लिए, डाटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए, उसके संचरण के लिए
हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर में किस चीज का प्रयोग होता है, प्रकाश का वेग, क्योंकि प्रकाश की गति से ये जाता है, यानी प्रकाश की गति से जाएगा तो प्रकाश की गति कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, कितनी होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति से जाता है। और यहां तक अगर मोरीबतिया समझ में आ गई तो आगे बताइए, एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है, और कंप्यूटर का क्वेश्चन क्या है कि टीसीपी का विस्तारित रूप क्या है, क्या बोल रहा है, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है, ये टीसीपी क्या होता है, ये टीसीपी होता है जब हम ट्रांसमिशन करते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, तो यानी डाटा को भेजते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम टीसीपी कहते हैं। बोलो भैया क्या कहते हैं, टीसीपी कहते हैं। और अगर इतना बात समझ में आ तो ये वाला सवाल आप बता देंगे, ये वाला सवाल बताएंगे कि इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया, उस उपग्रह का नाम क्या था, उस उपग्रह का नाम क्या था, जल्दी से बताइए। धर्मेंद्र, धनराज, संजय, राजा सिंह, कंचन राजक, फैशल अंसारी, रुस्तम अंसारी, मुख्तार अंसारी नहीं है, लक्ष्मीकांत, उमेश कुमार, अनिशा, ब्रजेश, बहुत अच्छी बात है, फटाफट आइए, फटाफट बताइए भाई, इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया था जिसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है आर्यभट्ट के नाम से, किसे, आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और हम ये भी जानते हैं कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं के सिवान, कौन है, के सिवान है, और के सिवान को हम रॉकेट मैन के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, रॉकेट मैन के नाम से भी जानते हैं। यहां तक बात बिल्कुल सही है, समझ में आ गया, इनसेट नहीं है यार, इनसेट नहीं है इसका जवाब, आर्यभट्ट है, ठीक है, आर्यभट्ट है। अब बताओ गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे, क्या बोल रहा है, गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे, क्यों भैया, जब वो डेट याद है 9 जनवरी, कौन सा, 9 जनवरी 1915 की डेट, जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत में पहली बार आगमन करते हैं दक्षिण अफ्रीका से, जिसे भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब ये आते हैं तो आने के बाद मुलाकात करते हैं अपने गुरु से, और गुरु जी ये कहते हैं कि गुरु जी से मिलने के बाद कि गुरु जी मैं भारत में देखना चाहता हूं कि आखिर भारत को आजाद कैसे कराया जाए, भारत की समस्याओं के निपटारा कैसे किया जाए, तो गुरु जी कहते हैं कि भैया गांधी जी, भैया शिष्य जी, आप सबसे पहले भारत में 2 साल भ्रमण करिए, तब आपको समझ में आएगा कि इस आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तब 2 साल भ्रमण करते हैं वो, और 2 साल भ्रमण करने के बाद 1915 से 1917 में जब राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर 1916 से 1917 में चंपारण आंदोलन करते हैं अपना पहला वाला। लेकिन यहां पर क्या है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, वो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। थोड़ा सा याद रखिएगा, जो गांधी जी हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है, महागोविंद रानाडे हैं। और महागोविंद रानाडे के राजनीतिक गुरु कौन है, केशव चंद्र सेन है, ठीक है, याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन है, याद रहेगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात है तो एक सवाल है, सवाल है कि स्वांग एक प्रसिद्ध क्या है, स्वांग की रचना करना, स्वांग ये किसके अंतर्गत आता है, नृत्य है, संगीत है, चित्रकारी है या कढ़ाई है। असल में स्वांग एक तरीके का नृत्य है, क्या है, एक तरीके का नृत्य है स्वांग करना, ठीक है ना, बिल्कुल सही है यहां तक, अच्छा अच्छा अच्छा। अगर ये सही है तो एक सवाल है, किताब का नाम क्या है, ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्स का मतलब होता है एक झलक, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, यानी कि वर्ल्ड इतिहास की, विश्व इतिहास की एक झलक के नाम से कौन सी पुस्तक लिखी गई, की पुस्तक किसने लिखी थी, शशि थरूर ने लिखी थी, महात्मा गांधी ने लिखी थी, नीरज सिंह चौधरी ने लिखी थी, या जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। तो भैया इसका सही जवाब कौन है, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने की किताब थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और जवाहरलाल नेहरू की किताब थी ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। वहीं गांधी जी की जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, कौन सा, इनकी आत्मकथा थी, उसका नाम क्या था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के नाम से ये पुस्तक लिखे थे। और कब लिखे थे, 1925 में लिखे थे, कब लिखे थे, 1925 में लिखे थे, बिल्कुल सही है, याद हो गया, अच्छा भैया याद हो गया है तो जल्दी से चलिए जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। और वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है,
इम्पॉर्टेंट। और इम्पॉर्टेंट जो चीज हो ना, अगर मैं इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ समझ लो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में नहीं आना है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन है, कौन है जिसे पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था, वो भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगर आपसे पूछे कि पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन है, तो आप किसका नाम बताएंगे? आप नाम बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर का, जो कि पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किस चीज के लिए मिला था? उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ये बात तो क्लियर है, लेकिन पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो कि 1997 में मिला था, वो कौन थे? वो थे भैया अमर्त सेन। कौन थे? अमर्त सेन थे, जिन्हें कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए 1997 में क्या मिला था? 1997 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बिल्कुल सही है यहां तक। अच्छा जी 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 बिल्कुल सही है। तो बताइए बताइए कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, यानी उनकी मृत्यु के बाद उनको भारत रत्न दिया गया था? क्या वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, सी के नायडू हैं, या मिहिर सेन है? तो बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी तो है ही है, लेकिन पहले कौन थे? पहले थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री थी, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले वो छोटे से व्यक्ति जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो मेरे सामने हारा हुआ है तो सर झुका कर आएगा, और जब मैं जा रहा हूं तो सर उठा के बात करूंगा। जब लोगों ने उनसे पूछा था कि आपकी हाइट इतनी छोटी है आप कैसे बात करेंगे, ठीक है ना, क्या जबरदस्त प्रेजेंस ऑफ माइंड था उनका, इस तरीके के व्यक्ति थे वो। चलिए बहुत अच्छी बात है, अटल लाल बहादुर शास्त्री हमें याद हो गए। अगर याद हो गया है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है जो आपके मोबाइल में हमेशा पाया जाता है, और वो है क्या? पेटीएम करो, है ना पेटीएम करो। अब ये जो पेटीएम है, इस पेटीएम के फाउंडर कौन है या को फाउंडर कौन है, इसके संस्थापक कौन है? नाम याद रखिए, पेटीएम तो याद है लेकिन पेटीएम के संस्थापक कौन है ये नहीं याद है, क्योंकि आपको तो पता है कि फेसबुक का आपको याद होगा कि नहीं, ये तो मार्क जुकरबर्ग है। आपको www.com का याद होगा कि ये तो टिम बर्नर्स-ली है, लेकिन ये बताइए कि पेटीएम का कौन है? पेटीएम के है भैया विजय शेखर शर्मा। याद रखिए कौन है? विजय शेखर शर्मा है, जो कि पेटीएम के फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, तो अगला सवाल है जबरदस्त सवाल है। सवाल क्या है? सवाल का जवाब आपको देना है, पहले लाइक करिए, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जल्दी बताइए कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखना, थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ाया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अगर पूछा कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन है, तो आप बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन अगर बोले कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, और यही वॉरेन हेस्टिंग्स हैं जो कि रेगुलेटिंग एक्ट से पहले 1772 तक इतना जबरदस्त लूटपाट करते हैं कि पूरी की पूरी कंपनियां डूब जाती है, और उनको चलाने के लिए फिर से रेगुलेटिंग एक्ट को लाया जाता है। लेकिन इसी वजह से वॉरेन हेस्टिंग्स पहले ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिन पे महाभियोग चलाया गया था। क्या कराया गया था? महाभियोग चलाया गया था। वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। समझ गए? बिल्कुल सही है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, वॉरेन हेस्टिंग्स इसका सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछे कि पहला वायसराय कौन है, तो वो कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक है। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक है। ये वही लॉर्ड विलियम बेंटिक है जिसने सती प्रथा का अंत किया था। किसके साथ? राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। ठीक है, चलिए ये बात बिल्कुल सही है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया है तो ये बताइए ये किस बात का मुंह बन रहा है। कोई बात नहीं सर जी, आप कहाँ से लाइव हो? जी मैं इंटरनेट से लाइव हूँ। ठीक है, और वही एक ऑप्शन है हमारे पास लाइव आने का, और कोई ऑप्शन नहीं है लाइव आने का। आपके पास कोई हो तो जरूर विचार दें। ठीक है, चलिए चला जाए आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। यहां तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है। तो यहां पर दोस्तों हम लोग अपने क्वेश्चंस को समाप्त करते हैं। क्या एक बार हम इसको रिवाइज कर दें सभी के सभी प्रश्नों को? ठीक है, सभी के सभी प्रश्नों को हम रिवाइज कर दें। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। गाजीपुर से लाइव है भाई, कहां से रहेंगे? गाजीपुर से लाइव है। ठीक है, गाजीपुर जो कि उत्तर प्रदेश का एक
वीरों का जिला है, शहीदों का जिला है, वहीं से है। ठीक है, बराबर जरा क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया जाए एक बार। जरा आप यस बोलेंगे तो हम रिवाइज करवा देंगे, नहीं यस बोलेंगे तो भी रिवाइज करवा देंगे, लेकिन पहले यस बोल दीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, शुरू किया जाए। गुरुजी बहुत स्मार्ट है आप, ये आज पता चला, हम तो पैदाइशी हैं। चलिए जल्दी देखा जाए, देखते क्या है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, तो किस कोशिका को किसे कहा जाता है, नाभिक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है, जो कि 1779 में जेम्स हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसके बाद आता है कि महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाले कौन है। महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाले चंद्रगुप्त भ्रष्ट है, जबकि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है। और भीतरी की राजधानी बनाया था स्कंदगुप्त ने, और भारत और गुप्त वंश की स्थापना किया था श्री गुप्त ने। पर फिर आगे चलते हैं कि पंचतंत्र को किसने लिखा था, विष्णु शर्मा ने, वाल्मीकि ने लिखा था रामायण को, और व्यास ने लिखा था महाभारत को। फिर पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मौत हो जाती है, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, इसने कुतुब मीनार और अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण कराया था। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि इल्तुतमिश जो है वो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति है, जबकि 55 में निर्वाचन, जिसके अंतर्गत इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल के द्वारा एकल हस्तांतरी प्रक्रिया से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अब पूछा था कि इसमें बताइए कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे। हमने कहा था कि नी से निर्विरोध और नी से नीलम संजीव रेड्डी, याद रखेगा। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, पहले महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। नरेंद्र मोदी भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे, तो नरेंद्र मोदी जब पहली बार थोड़े से कम दाढ़ी में थे तो 14वें थे, और जब बड़ी दाढ़ी में हुए थे तो 15वें थे। ठीक है, तो वर्तमान में कौन है, 15वें प्रधानमंत्री हैं। भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम सीटें कितनी हैं, अभी 250 सीटें अधिकतम है, 245 वर्तमान है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, पहले स्पीकर जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर थे, और वर्तमान में है ओम बिड़ला। यहां तक याद हो गया है तो बताइए कि अगला उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश जो बनी थी वो थी लीला सेठ। कौन थी, लीला सेठ थी। और अगर ये पूछे कि भारत में कितने हाईकोर्ट हैं, तो भारत में 25 हाईकोर्ट वर्तमान समय में है, और पहला जो हाईकोर्ट बनाया गया था वो 1862 में कलकत्ता हाईकोर्ट बनाया गया था। यहां तक याद हो गया तो अगला सवाल है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। मूलभूत इकाई कोशिका है। कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का मास्टर कौन होता है, नाभिक होता है। भारतीय संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की स्थापना किसने, किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 315 के अंतर्गत है, जिसमें यूपीएससी आता है। अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है, तो यह अनुसूची 8 है, जिसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है, इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 90,000 सैनिकों के नाम लिखे गए हैं जो कि प्रथम विश्व युद्ध और अफगानों के युद्ध में शहीद हुए थे। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण से आता है, पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण होता है। नहरों का देश किसे कहते हैं, नापाक पाकिस्तान को कहते हैं। उगता हुआ सूर्य किसे कहते हैं, उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहते हैं। डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं, ब्रिटेन को कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गया तो नॉर्वे की राजधानी क्या है ये बताना है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, ओस्लो है। क्या है, ओस्लो है। रोम कहाँ की राजधानी है, इटली की है। ओटावा कहाँ की राजधानी है, कनाडा की है। आगे सवाल है कि आयरलैंड की राजधानी कहाँ की है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। जबकि हेलसिंकी कहाँ की है, फिनलैंड की है। ओटावा कहाँ की, कनाडा की। और ब्रसेल्स कहाँ की है, बेल्जियम की राजधानी है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला लेह है, और सबसे बड़ा गांव गहमर का है। फिर अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है, वो है गुजरात। कौन सा है, गुजरात है सबसे लंबी तटीय रेखा का, जो कि लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास है। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी या दक्षिण भारत की जो नदी सबसे बड़ी है वो है गोदावरी, जिसे बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं, जबकि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी यांग्त्सी क्यांग, और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है।
रक्त क्या है? रक्त एक कनेक्टिंग टिश्यू है, यानी एक संयोजी ऊतक है जिसकी पीएच वैल्यू 7.4 होता है, यानी ये क्या है? क्षारीय है। रबी की फसल की अवधि क्या होती है? रबी की फसल अक्टूबर से मार्च महीने में यानी जाड़े और बसंत के मौसम में उगाए जाते हैं। कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत में कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो कृष्ण क्रांति यानी ब्लैक जो रिवोल्यूशन है वो कच्चा पेट्रोलियम से संबंधित है, जबकि नीली क्रांति जो है मत्स्य से, पीली क्रांति तिलहन दलहन से, हरित क्रांति अनाज से, रजत क्रांति अंडा से, और वहीं पर दोस्तों हम जानते हैं कि जो श्वेत क्रांति है वो दूध से संबंधित है। आगे चलते हैं कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो विजय केलकर है। 14वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम था वाईवी रेड्डी, और जो 15वें हैं वो एनके सिंह हैं, जबकि अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे पहले। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? ये दशमलव प्रणाली प्रारंभ हुई थी 1957 यानी 1957 में। एक रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त मंत्रालय के वित्त मंत्री द्वारा यानी भारत सरकार का। निम्नलिखित में से किसे बैंकर्स चेक कहा जाता है? डीडी को बैंकर्स चेक कहा जाता है। बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में हुआ था। किसी घर या परिवार में अगर एक साइकिल खरीदी जाती है तो क्या माना जाता है? सीधा सा मतलब है साइकिल खरीदा है तो उसका उपभोग करेगा, साइकिल चलाएगा, यानी कंजप्शन हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा क्या? केवल एक क्रेता केवल एक विक्रेता होगा तो वह स्थिति क्या कहलाती है? विशेष विक्रेता अधिकार कहलाती है। बारदौली सत्याग्रह का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और भारत में राजकोषीय नीति कौन बनाता है? हम जानते हैं कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है, जबकि भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय बनाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। ये जो योजना, ये जो अभियान हुआ था जिसे हम मिशन इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं, ये मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ये बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? ये तैयार करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसमें भारत 2019 में 129वें स्थान पर था और पहले स्थान पर नहीं था। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये असम में है, जबकि काजीरंगा कहाँ है? वो भी असम में है। भारत के कच्छकरण किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ ज्वारी मिट्टी के मैदान है इसलिए प्रसिद्ध है। तो बताइए ओजोन परत के छड़ के कारण क्या होता है? ओजोन परत का छड़ होगा तो पराबैंगनी किरणें आएंगी जो कि त्वचा पे लगेंगी, जिसके कारण त्वचा कैंसर या स्किन कैंसर हो सकता है। मृदा से संबंधित विज्ञान को पेडोलॉजी कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? मृदा विज्ञान कहा जाता है। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या होती है? ओम होती है। एक तोप का गोला दागा गया तो इस गोले की गति क्या कहलाएगी? प्रक्षेप गति कहलाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुनने से पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन थे? बद्रुद्दीन तैयब जी थे। पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। विद्युत ऊर्जा क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? आविष्कार किया था एनरिक फर्मी ने। जब किसी अभिक्रिया में से एक पदार्थ ऑक्सीजन का होता ह्रास होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे उपचयन कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड क्या कहलाता है? NH4Cl कहलाता है। चीटी के डंक में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। लेड सल्फाइड का साधारण नाम क्या है? गैलेना इसका साधारण नाम है। गोबर गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? गोबर गैस का प्रमुख घटक है मीथेन होता है, मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। पैंथरा टाइग्रिस किसका नाम है? टाइगर का नाम है। गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सीडेट की बनी होती है। वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी और भारत की प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क के निकट होती है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये अग्न्याशय है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर को। मैग्नीफेरा इंडिका किसका नाम है? आम का नाम है। लुई पाश्चर किसकी खोज किए थे? ये खोज किए थे रेबीज के टीके की। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में क्या होता है? जल होता है। गणितीय कैलकुलेटर को किसने डिजाइन किया था? नेपियर ने। किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? डाटा भेजने में प्रकाश का किया जाता है। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। और इसरो ने भारत का पहले उपग्रह का क्या नाम रखा था? आर्यभट्ट नाम रखा था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल गोखले थे। स्वांग क्या है? एक डांस है। ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। नोबेल पुरस्कार पाने वाले अर्थशास्त्री भारत के अमर्त सेन है। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री हैं। पेटीएम के सह संस्थापक विजय शेखर शर्मा हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन
हेस्टिंग्स हैं। क्या यहां तक सब लोगों को क्लियर है? ठीक है, क्या यहां तक सबको क्लियर है? सर धीरे धीरे बताइए। अरे रिवाइज करा रहे थे तो धीरे धीरे कहां से बताएंगे रिवाइज कराने में, जब हम समझा रहे थे तब तो धीरे धीरे ही समझा रहे थे। सर सांस भी ले लिया करिए। अच्छा थैंक यू, आप इतना केयर कर रहे हैं हमारा। ठीक है, यहां पर सारा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। आज के सेशंस को समाप्त किया जाए आप सभी लोगों को। ठीक है, जो लोग अभी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं इस चैनल पर, वो जल्द से जल्द वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि जुड़े रहें आप, और आपको इसी तरीके की जो क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और डेफिनेटली एग्जाम में आने वाले हैं, उनको हम ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचा सकें, रिवाइज करा सकें। और वो सभी लोग जो वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हैं, शेयर करने का मतलब अपनी जो अच्छी चीज या बुरी चीज दूसरों को बताना। तो आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे दूसरे के पास भी शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको लोग सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, डीडी का फुल फॉर्म डिमांड ड्राफ्ट होता है। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट होता है। चलिए समझ गए शुभम सिंह, डिमांड ड्राफ्ट होता है। ठीक है, न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट न्यू होता है क्या? मतलब क्या कोई फॉर्म भर के स्टूडेंट आता है क्या? अरे यार स्टूडेंट न्यू नहीं होता है जो भी है सब स्टूडेंट ही हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच। आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं अपने इसी समय पर और क्लास को आगे की ओर लेकर चलते हैं। सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।